the choices that each woman makes for herself and her family. Every woman deserves the chance to realize her God-given potential. नारी की इसी potential की पहचान, उसकी सृजनात्मकता की पहचान और उसकी शक्ति को सम्मान देने हेतु पूरे विश्व में 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करते हैं। सर्वप्रथम 28 फरवरी सन 1909 में अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर महिलाओं को वोट देने के अधिकार को हासिल करने के उद्देश्य से यह मनाया गया था। उसके बाद से करीब हर वर्ष 28 फरवरी को यह मनाया जाता रहा है और 1917 में रूस में महिलाओं ने प्रथम विश्व युद्ध का विरोध करने के लिए तथा रोटी कपड़ा का अधिकार हासिल करने के लिए पुनः एक बार जोरपोर कोशिश की थी और तब से हर वर्ष इस तिथि को चूंकि तिथि को थोड़ा किसी अलग कैलेंडर के अनुसार जो है 8 मार्च को मनाया जाता रहा और सन 1975 में आधिकारिक रूप से यूएन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। भारत में यह दिवस महिलाओं को सशक्त व जागरूक करने से लेकर उनकी उपलब्धियों को पहचान देने व उन्हें सम्मानित करने के रूप में मनाया जाता है। हमारे इस महाविद्यालय की नींव भी ऐसी ही एक महिला द्वारा रखी गई है और उनका स्मरण करते हुए सन 2000 में महिला अध्ययन प्रकोष्ठ की शुरुआत हुई तथा लगभग 2 वर्ष पश्चात उसे उड़ान नाम दिया गया। तब से हर वर्ष हम उड़ान के रूप में इस दिवस को मनाते आए हैं। इसकी शुरुआत हमारी समाजशास्त्र की विभाग अध्यक्षा डॉक्टर कुमुद रंजन जी द्वारा की गई थी और उसके बाद से डॉक्टर वीना सिंह जी ने, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और डॉक्टर निहारिका लाल ने इसे आगे बढ़ाया और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे मनाते हैं और अपनी उपलब्धियों से हमारी छात्राओं में उड़ान भर देने के लिए नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। इसी के तहत आज हमारे समक्ष डॉक्टर विनी नागर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विधि नागर इज एसोसिएट प्रोफेसर इन कथक फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पीएचयू। शी इज फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम अ टीचर शी इज एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर कोरियोग्राफर एंड ऑल्सो एन ऑथर। शी हैज ब्रिलियंटली परफॉर्म विद इन एंड आउटसाइड इंडिया दैट इज श्रीलंका नेपाल जर्मनी यूएसए एंड मॉरिशस। She has played the role of lead actress in a telefilm based on Rabindranath Tagore's Gitanjali under the banner of Chidananda Productions. Besides this, she has been producer and director of several programs throughout India. She has a specialization in Bhava elements of Kathak dance, and since past few years, she has been deeply involved in reviving the Baltiki style of traditional Kathak, thus innovating the style that goes back to the roots. We welcome you, ma'am, from the core of our heart, and no doubt your presence is motivational and inspirational for all of us. Now, I would like to request our manager, ma'am, Srimati Uma Bhattacharya, to honor Dr. Vivi Nagar by giving her a token of love as well as memento and plan salary.